सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो जीव अलग अलग गैमिट बनाते हैं। नर जो जीव है वो नर युग्मक यानी मेल गैमिट बनाता है और मादा जो है वो मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट बनाता है। तो मेल और फीमेल गैमिट जुड़कर जायगोट बनाते हैं और जायगोट से नए जीवधारी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है जिसे समयुग्मकी यानी आइसोगैमस कहते हैं। ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। इसमें नर और मादा युग्मक ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं यानी कि बाहर से देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन जो बायोकेमिकली या फिजियोलॉजिकली इनकी जो संरचना है इन वो अलग अलग होती है यानी कि रासायनिक रूप से ये अलग अलग होते हैं भिन्न और दोनों जुड़कर जायगोट का निर्माण करते हैं और जायगोट से नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो जनन है वो लैंगिक जनन है वो आइसोगैमस टाइप कहलाता है। दूसरा है असमयुग्मकी यानी एनाइसोगैमस। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा में ये देखने को मिलता है आपको। देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें जो नर युग्मक है वो साइज में छोटा होता है और मादा युग्मक जो है वो साइज में बड़ा होता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफर हैं और फिजियोलॉजिकली डिफर हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफर अलग अलग भिन्न जो देखने में भी शारीरिक रूप से भी और जैव रासायनिक या रासायनिक रूप से भी अलग अलग होते हैं भिन्न होते हैं। ये जुड़कर जायगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनाइसोगेमस टाइप कहलाता है। और तीसरा जो रिप्रोडक्शन है ऊगेमस टाइप है। इसमें ये भी शैवालों में देखने को मिलता है ओडोगोनियम और बाउचेरिया में। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही फिलामेंट पर दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। एक ओगोनियम जिसमें एग का निर्माण होता है यानी फीमेल गैमेट और दूसरा होता है एंथ्रीडियम पुंधानी। ओगोनियम को अंडधानी कहते हैं और एंथ्रीडियम को हम पुंधानी कहते हैं और ओगोनियम को अंडधानी। अंडधानी में अंडाणु बनता एग बनता है और एंथ्रीडियम में एंथ्रीजॉइड्स यानी पुंगड़ू बनते हैं मेल गैमिट्स होते हैं। मेल और फीमेल गैमिट फिर जुड़कर जायगोट बनाते हैं और नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस टाइप कहलाता है।